मैं हूँ सुगंधी कुमार मिश्र, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय आईडी यूनियन जीडीएस, डाक विभाग में काम करने वाले 3 लाख मेरा ग्रामीण डाक सेवक भाई बहनों, चारों तरफ से मेरा पास फोन आ रहा है, मेरा सेक्रेटरी जनरल का पास फोन जा रहा है, जनरल सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा है। भाई बहनों मुझे माफ कीजिएगा, आपको जो मेरा फोन नंबर मालूम है वो फोन नंबर दिल्ली ट्रेन में मेरा गायब हो गया, उसके बाद हमने जो नया नंबर लिया वो बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा 8167239903, 8167239903। अभी हम जो चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं दादा न्यूज क्या है बताओ, एक का ध्यान में रखिए, दो बार मेरा देश आजाद हुआ 72 ईयर से ज्यादा, नंबर वन संगठन था एनएफपी जो कम्युनिस्ट का है, उसका वो ठेकेदार था जीडीएस का, अपने फाइटिंग फंड ए फंड ओ फंड ए यात्रा वो यात्रा किया, एक पैसा की काम नहीं हुआ। जब अटल जी का जमाना आया, उनका संचार मंत्री सुषमा दीदी ने 420-440 को 3.25 बढ़ा के जीडीएस को इज्जत दिया है। आज जो पेंशन के लिए आप सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्वयं सुषमा दीदी 800 रुपया पेंशन देने के लिए तैयार था, उसको नकार दिया कौन है, एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल आर एल भट्टाचार्य बंगाल का। आज तक पेंशन सुधार नहीं हो रहा है उसी गलती से। सेकंड है एफएनपीओ जो कांग्रेस का पोस्टल में यूनियन है, कांग्रेस का नेशनल कांग्रेस का, 45 इयर्स 65 डेज राज किया है देश में आजादी के बाद, 45 इयर्स 65 डेज राज किया है, एफएनपीओ की तरफ से उसका हिम्मत नहीं है वो बोलने वाला जो हम जीडीएस के लिए एक पैसा की कुछ काम किया। और साथ साथ आप देखिए मेरा फेडरेशन भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन जो भारतीय मजदूर संघ की इंडस्ट्रियल यूनिट है, अटल जी का जमाना आया एनडीए गवर्नमेंट जीडीएस को इज्जत दिया है, जीडीएस को बहुत सुधार किया है, आज 10,000 12,000 14,000 मिलने वाला आप है, सारे सुविधा मिलने वाला आपको कौन दिलाया, सुषमा स्वराज दिलाया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, एक कितना ड्रामा हो गया, कोर्ट केस ओ है, आपसे पैसा लिया, जीडीएस को पैसा कमाने का खेती बना के रखा था, उससे जीडीएस के फास्ट टारगेट था मेरा और मेरा सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह जी का, जीडीएस को पैसा कमाने के खेती बनाने वाला ट्रेड यूनियन के नाम में ट्रेडिंग यूनियन को खत्म करो, जीडीएस को बचाओ, और वो सुविधा कौन दिया है, ऑनरेबल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नेतृत्व में जब एनडीए गवर्नमेंट फिर आया, कमलेश जी कमेटी गठित हुआ, कमलेश जी कमेटी जो सुपारिश किया 1964 के बाद कोई भी कमेटी उसकी सुपारिश नहीं किया, हो सकता है पोस्टल बोर्ड उसमें कुछ काट छाट किया, गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए डिमांड कर रहा है, बीच में कुछ ऑफिसर उसका अपना अपना यूनियन को सुविधा दिलाने के लिए ड्रामाबाजी कर, आज स्ट्राइक कल ऐसी कल कोर्ट कल ऐसी ऐसी चल रहा है। मेरे भाई बहनों आप एक चीज ध्यान में रखना है, जीडीएस टेम्पोररी नहीं है, 89 डेज में ब्रेक इन सर्विस नहीं होता है, जीडीएस का नौकरी परमानेंट है, बट दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमने अमित जी को नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को ये डिमांड किया, आप आने वाला अप्रैल में आने वाला लोकसभा के पहले ग्रामीण डाक सेवक को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा दो, डाक विभाग में काम करने वाला
13 लाख गांव को समझाने वाला ग्रामीण डाक सेवक को गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर करो, मुझे लगता वो भी होने वाला है। सीनियर जूनियर पेंशन आपका ग्रेचुइटी, ये मामला मामूली मामला है, तो कभी भी हम डिमांड करके ले लेंगे। तो मुझे जो चाहिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, इसीलिए हमने डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाओ। और वो बनाने के लिए हमने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया है पवित्र राम जन्मभूमि में, जहां भगवान रामचंद्र अशुभ शक्ति को विनाश करने के लिए कोई जन्म लिया था। और आप सारे देश के ग्रामीण डाक सेवक भाई बहनों को मेरा आह्वान है, मेरा वहां सेक्रेटरी जनरल संतोष कुमार सिंह जी आह्वान किया है, जहां उपस्थित रहेंगे ग्रामीण डाक सेवक कमेटी की चेयरमैन ऑनरेबल कमलेश चंद्र जी की नेतृत्व में सारे क्वेश्चन की आपका जवाब मिलेगा। और उसमें हम ए वोट लेंगे जो तुरंत जीडीएस का जो समस्या है उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानो, पेंशन सुधार करो, डिग्निफाइड सिस्टम एमएससी लागू करो, जो जो डिमांड है उसमें हम सेटल करेंगे, उसी के आधार पर मैं जाऊंगा। एक हमने आप कभी भी सोचा नहीं कोई भी जीडीएस किसी को बोनस का एरिया मिलेगा। मेरा फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ आपको 2 साल का एरिया दिया, आपको स्पेशल डोनेशन नहीं मांगा। इसीलिए मेरा निवेदन है 1000 उसमें आपका डेलीगेट होगा, सारे देश की जीडीएस पवित्र जन्मभूमि राम जन्मभूमि में आ जाइए 23-24 फरवरी को, 10,000 जीडीएस उधर पहुंच जाएगा। तो हम आपको मेरा सेक्रेटरी जनरल संतोष जी के ऑन बिहाफ ऑफ माय सेक्रेटरी जनरल ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल संतोष सिंह, मैं राष्ट्रीय महामंत्री जीडीएस आपको वचन देता हूँ, मार्च की पहले जीडीएस का जितना डिमांड है उसको हम पूरी कर सकेंगे। 10,000 से 1 आदमी कम होगा तो कभी भी आपका पूरी नहीं होगा। इसीलिए सारे देश की जीडीएस को मेरा निवेदन है, मेरा भाई बहनों 23 फरवरी पवित्र राम जन्मभूमि अयोध्या आ जाइए, सब मिल के हम निर्णय लेंगे कैसी जीडीएस को एस्टैब्लिश दिलाने के लिए, जीडीएस को इज्जत बांटने के लिए, जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने के लिए हम निर्णय लेंगे। वो मोदी जी को अमित शाह जी को हम देंगे, 15 दिन टाइम देंगे, उसी में कुछ नहीं होगा तो हमने नेक्स्ट कदम उठाऊंगा। बार बार आप सबको निवेदन, 10,000 जीडीएस विल बी एंड मस्ट बी अटेंड पवित्र राम जन्मभूमि अयोध्या ऑन 24th February 2019। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।